हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैजिक स्पून विद नीतू के नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, अचार एक ऐसी चीज़ होती है जो साधारण से खाने का मज़ा भी दुगना कर देती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचार की रेसिपी, जो कि है गाजर और मिर्च का अचार। फ्रेंड्स, आप इसे घर पर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। प्लीज़ आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो गाजर और मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ गाजर, हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने धो लिया है और सुखा लिया है। ऐसे ही मैंने गाजर को पहले पील कर लिया है और फिर धोकर इसको सुखा लिया है कपड़े से। अब मैं इसके लंबे लंबे पीस कट करूँगी। ये देखिए, आपको इसे ऐसे लंबा लंबा कट कर लेना है। ऐसे ही मैंने सारी गाजर को कट कर लिया है लंबे पीसेस में। ये देखिए, अब हम हरी मिर्च को भी ऐसे ही लंबा लंबा कट कर लेंगे। देखिए, ऐसे ही आपको सारी हरी मिर्च को कट कर लेना है। देखिए, अब मैं इनको 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सुखा लूंगी, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर इनका कम हो जाए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई, इसको हम गरम कर लेंगे और इसमें मैं ड्राई मसाले रोस्ट करूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 स्पून जीरा, 1 स्पून अजवाइन, 2 स्पून साबुत धनिया, 2 स्पून ही हम यहाँ पर साबुत सौंफ लेंगे। ये देखिए, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 स्पून मेथी दाना। अब लास्ट में मैं ले रही हूँ राई। देखिए, अब हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, आप इनको गैस से उतार लीजिए और ठंडा कर लीजिए। देखिए, ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल लूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी। देखिए, हमारा जो ड्राई रोस्ट मसाले हैं वो पिस गए हैं। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी और इसमें मैं आधा कटोरी डालूँगी सरसों का तेल। और सरसों का तेल हमें धुआं आने तक गरम करना है और फिर ठंडा कर लेना है। देखिए, अब मैं गैस ऑफ करके इसको ठंडा कर लूँगी। अब मैं इसमें अपने जो हमने मसाला तैयार किया था उसको डालूँगी। देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, जो कि मैं ले रही हूँ 1.5 स्पून, अमचूर पाउडर, ये मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 स्पून, हल्दी 1/2 स्पून, गरम मसाला 1/2 स्पून, और यहाँ पर मैं ये कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये तीखा नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको 2 चम्मच डाल रही हूँ। मैं ये कलर के लिए डाल रही हूँ, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब मैं इसमें अपनी जो हमने गाजर सूखने के लिए रखी थी, गाजर और मिर्च, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, पूरा मसाला हमने गाजर और मिर्च पर कोट कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी विनेगर। मैंने यहाँ पर वाइट विनेगर यूज़ किया है, ये मैं 2 स्पून लगभग डाल रही हूँ। हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे अचार का। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कांच का जार, जिसको मैंने धो लिया है और फिर धूप में 2 से 3 घंटे के लिए सुखा लिया है, ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे जार में। अब मैं इसमें डाल दूंगी अचार। देखिए, मैंने पूरा भर दिया है अचार का। और अब हम इसको बंद करके थोड़ा सा शेक करेंगे, हिलाएंगे इसको, ताकि जो पूरा मसाला है वो अच्छे से हर पीस पर कोट हो जाए। हम इसको 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखेंगे। इससे हमारे अचार का फ्लेवर दुगना हो जाता है। ये देखिए, गाजर और मिर्च का अचार बनकर एकदम से तैयार है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।